तो दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च के कुछ घंटे पहले तक भी पानीपत से दिल्ली की ओर ट्रैक्टर पर सवार किसान रोष और जोश से भरे दिखे। खास बात यह रही कि 25 जनवरी को ट्रैक्टर से ज़्यादा झंडे लगे कारें दिल्ली की ओर बढ़ रही थीं, यानी किसानों के समर्थन में और सपोर्ट में भी लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली से पंजाब आने जाने का रास्ता है और मैं खड़ा हूँ सोनीपत पानीपत के बीच में। आप मेरे पीछे देखिए, अभी भी बहुत सारे ट्रैक्टर हैं। हालांकि आज ये 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी को किसान गणतंत्र ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है, जो नया नाम दिया गया किसान गणतंत्र ट्रैक्टर मार्च। तो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च है सोनीपत पानीपत के बीच और दिल्ली जाने वाले इस रास्ते पर। अभी आप देखिए, अभी ट्रैक्टर आज कम है, लेकिन एक बदलाव ये जरूर नजर आ रहा है। आज ट्रैक्टर जो थे, चूंकि पंजाब से हरियाणा से जाने थे, उनको ये था कि भीड़ में कहीं फंस ना जाए, दिल्ली में एंट्री ना हो, बहुत सारे ट्रैक्टर निकल गए हैं। लेकिन अब आज गाड़ियां ज्यादा जा रही हैं, जो जिमीदार हैं, जो फार्मर्स हैं, जिनके पास अपनी कारें हैं, गाड़ियां हैं, वो झंडे लगाकर जा रहे हैं। आज ये हम जरूर देख रहे हैं कि ट्रैक्टर के बजाय आज कारें ज्यादा हैं, जो लोग इनके समर्थक बनकर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अभी ताजा बात करें तो सिंगू बॉर्डर, पानीपत सोनीपत से दिल्ली को जो रास्ता जाता है सिंगू बॉर्डर है, वहां करीब 1.25 लाख ट्रैक्टर कल रात तक पहुंच चुके थे और बहुत सारे रास्ते में थे। तो अभी भी बहुत सारे ट्रैक्टर जा रहे हैं, उनका ये है कि शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आज रैली भी है सिंगू बॉर्डर पर और जो बचे खुचे ट्रैक्टर हैं ये लोग जा रहे हैं और इनके समर्थन में जो कारों पे हैं, तीन चार चार लोग कारों पे झंडे लगा के वो समर्थन में जा रहे हैं। जो लोग ट्रैक्टर पर नहीं जाना चाहते थे या नहीं जा पाए, तो उनके पीछे उनको बैकअप करने के लिए गाड़ियों में लोग जा रहे हैं और रास्ते में इनके लिए लंगर की व्यवस्था भी। आप देखिए, सोनीपत पानीपत के बीच नेशनल हाईवे पर ये जगह है, जगह जगह लंगर लगे हुए हैं ताकि जो किसानों के समर्थन में जा रहे हैं या जो किसान अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उन्हें खाने पीने की, रास्ते की सुरक्षा की, आराम की, पूरी तरह की सुविधाएं जो है उनको मुहैया हो। आज ये फर्क ये है कि कल तक हमने दिखाया ट्रैक्टर लगातार रेला पेला ट्रैक्टरों का दिल्ली की तरफ था, लेकिन आज चूंकि अब आखिरी दिन है, कल परेड है, आज बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में, कारों में स्पोर्टर बनकर जा रहे हैं। इन सरदार साहब को देखिए, बुलेट पे जा रहे हैं अकेले झंडे लगा के। तुसी समर्थक बन के जा रहे हो किसानों के उत्थे? हाँ जी, अही खुद किसान है, एक अही सफीदों तो आए हैं, जिला जींद तो खुद किसान हाँ। अही गुरु नाम सिंह चनूनी प्रधान जी की अगुवाई हेठ जा रहे हैं। तुसी कले क्यों जा रहे? साडिया ट्रालियां उत्थे हैगियां ने साडिया, हाँ जी, अही उन्हां कोल जा रहे जी। ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੁਲਟ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਡ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ 25 ਨਵੰਬਰ 26 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਆਪ ਇਨਕਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਕੇਲੇ ਬੁਲਟ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਲੈਕਰ, ਇਨਕਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੈਸਾ ਕਹਾ 27 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤੋਂ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਰਹੇਂਗੇ, 26 ਕੀ ਪਰੇਡ ਔਰ 27 ਕੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਰਹੇਂਗੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋਗਾ। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत, बीरू।